स्वागत है दोस्तों, मेधा एजुकेयर की तरफ से मैं सुशील पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी पहली क्लास है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, जो संभावित तिथि दिसंबर में है के उपलक्ष्य में जो हम लोगों ने नई क्लास शुरू की है, और उस क्लास का पहला वीडियो है और पहला लेक्चर है। आप ध्यान से देखिए, ये हिंदी वर्णमाला के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। हिंदी वर्णमाला से एक से दो प्रश्न हर परीक्षाओं में रहते हैं, वो कोई भी परीक्षा हो, और पहली क्लास में हम हिंदी वर्णमाला के विषय में ही आपको बताएंगे इसमें वास्तव में होता क्या है। पहली चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण वास्तव में प्राथमिक लिखित स्वरूप वर्ण कहलाता है। डिफिनेशन अगर कभी पूछी जाए तो क्या होगा? प्रारंभिक रूप से जो लिखित स्वरूप है वो क्या कहलाता है? वो वर्ण कहलाता है। और वर्ण के बाद जो अगला आता है वो होता है शब्द। शब्द वर्णों का सार्थक स्वरूप। सार्थक का मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले। शब्दों का सार्थक स्वरूप जो है वो क्या कहलाता है? वो वर्ण कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं कमल, क्या लिखते हैं? कमल। कमल जो है वो वास्तव में क्या है? तीन शब्द से मिलके बना है, एक दो तीन, तीन वर्ण है, तीन मिलके क्या बन गए? कमल बन गए। लेकिन अगर कमल को हम लिख देते हैं लमक या मलक तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थात कहने का मतलब ये कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण जिनके कोई सार्थक शब्द निकले, सार्थक अर्थ निकले, वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आता है वाक्य। वाक्य सार्थक शब्दों का, कौन से शब्दों का? ऐसे शब्द का जिनका कोई अर्थ निकले। सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध स्वरूप, क्रमबद्ध समूह। कौन सा समूह? क्रम से, जैसे क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे हम देखें कमल एक पुष्प है, यह क्या है? बिल्कुल क्रम से रखा हुआ है, कमल एक पुष्प है। लेकिन यदि इसको हम ये देखें कि एक शब्द पहले लगा दें, फिर है लगा दें, फिर कमल लिख दें, फिर पुष्प लिख दें, फिर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थ क्या निकलता है? कहने में ही अटपटा लगता है। अर्थात ऐसे शब्दों का क्रमबद्ध स्वरूप जिसका कोई अर्थ निकले वो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। अगली चीज है भाषा। अक्सर पूछा जाता है भाषा क्या है? आप कई जगह देखे होंगे भाषा क्या है। ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा व्यक्ति, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को लिख कर या बोल कर, कैसे लिख करके अथवा बोल करके प्रदर्शित करता है, वह कहलाती है भाषा। क्या कहलाती है? भाषा। भाषा क्या है? ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को लिख करके, बोल करके प्रदर्शित कर सके, भाषा कहलाती है। फिर आती है लिपि। लिपि क्या है? किसी भी भाषा को, एक्स वाई जेड, हिंदी तेलुगु मराठी बंगाली जो भी हो, किसी भी भाषा को लिखने का व्याकरण पद्ध। कौन सा पद? व्याकरण पद्ध सांकेतिक रूप लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। फिर हम देखेंगे स्वर। ये तो हमारी थी मेन चीजें। स्वर क्या है? स्वर के स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। उच्चारण की दृष्टि से कितनी है? 11। और परंपरागत रूप से कितनी है? 13। हम देखेंगे 11 क्यों और 13 क्यों। जैसे स्वर क्या है? अ आ ई ई ऊ ऊ री ए ए ओ और औ। ये क्या है? कुल टोटल संख्या इनकी कितनी है? 11। 11 ये उच्चारण की दृष्टि से हैं, और उं और अह, अम और अह, ये दोनों भी स्वरों में आते हैं, ये परंपरागत रूप से आते हैं, तो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या है 13, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या है 11। प्रश्न आएगा
तो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है तो हम लगाएंगे 13। अगर लिखता है उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है तो हम लगाएंगे 11। आगे देखते हैं स्वरों के भी दो भेद हैं मुख्य रूप से, पहला है अल्प स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। स्वरों की संख्या वास्तव में 11 है, लेकिन ये कितने रूपों में बटी है? दो रूपों में बटी है। कौन कौन से? अल्प स्वर और लघु स्वर। अल्प स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अ, ई, उ और री। एक चीज यहाँ ध्यान देने की बात है, ये जो ए है छोटा ए और बड़ा ए नहीं होता। क्या नहीं होता? छोटा ए और बड़ा ए नहीं होता, दोनों बनते हैं एक ही वाक्य से, वो हम संधि में बताएंगे। ओ होते हैं दोनों, ए आते हैं दीर्घ में। तो स्वर में लघु स्वर या अल्प स्वरों की संख्या है 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या है कितनी? 7। टोटल संख्या हमारी फिर यहां निकलती है कितनी? 11। कितनी हुई? 11। स्वरों की संख्या है 11। अब हम देखते हैं व्यंजन में कुछ। स्वर के बाद हम आते हैं व्यंजन पे। व्यंजनों में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये है जिनकी शुरुआत जिस शब्द से होती है वह उसी वर्ग में सम्मिलित कर दिए जाते हैं। लेकिन इनको एक और नाम से जाता जाता है, इन्हें कहा जाता है कंठ से निकलने वाले शब्द, इन्हें कहा जाता है तालु से निकलने वाले शब्द व्यंजन, इन्हें कहा जाता है मूर्धन्य से निकलने वाले व्यंजन, इन्हें दंत से निकलने वाला व्यंजन और इन्हें ओठ से निकलने वाला व्यंजन। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग कंठ से होता है, किसे होता है? कंठ से होता है। आप बोलिए का तो निकलेगा कहाँ से? कंठ से। बोलेंगे खा निकलेगा कहाँ से? कंठ से। तो ये कहा जाता है कंठ से निकलने वाले शब्द। ये है तालु, जीभ जब टच करती है ऊपर बोलेंगे च, तो ये तालु जो है टच करता है ये तालव्य वर्ग में आता है। ये मूर्धन्य है, अंदर से निकल के शब्द आते हैं ये मूर्धन्य में आते हैं। ये दांत से बोले जाते हैं, दांत का भी इस्तेमाल होता है, दांत आपस में टच करते हैं, इसलिए यह कौन से है? दंत वर्ग में है। और ये है ओठों से बोले जाने वाले पाठ, इसमें केवल ओठ टच होते हैं। आप बोल करके प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल वही निकलेंगे। ये होते हैं व्यंजनों के मुख्य भाग। एक प्रश्न यहाँ से हर बार आते हैं और फिर देखेंगे हमें संयुक्त व्यंजन। अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन से शब्द संयुक्त व्यंजन में आते हैं, यह शब्द किस व्यंजन से किससे किससे मिलके बना है। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 4।